hope you all are doing really good today. Myself Mahanu, welcome back to my channel Speak of Art. So आज है ट्यूसडे का दिन. कल हुई थी बड़ी ज़्यादा बारिश कराची में. मैं जा रही हूँ इस टाइम पे अपना ऑफिस. बज रहे हैं 9 सुबह के. विद माय हस्बैंड सो रहे हैं वो और सोते हुए गाड़ी चला रहे हैं. सो एनीवेज, मैंने सोचा आप लोगों से वैक्सीनेशन की बात कर ली जाए कि हमने वैक्सीनेशन लगवाई है संडे को एंड व्हाट साइड इफेक्ट्स डिड वी फेल और कैसा रहा और सारा एक्सपीरियंस कैसा रहा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले तो आपके राइट आर्म या लेफ्ट आर्म पे बहुत ऊपर शोल्डर की तरफ लगेगी और जिस जगह आपको इंजेक्शन लगेगा वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होगा. इट्स फॉर श्योर कि पेन होगा, बाकी सिम्टम्स होना हो लेकिन वहाँ पेन ज़रूर होगा. तो मेक श्योर कि वहाँ पे आइसिंग कर लें, वहाँ पे गर्म आइसिंग इज़ बेस्ट, तो आइसिंग कर लें. एंड सेकेंड, आपको हेडेक्स हुए. मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक हुआ. मुझे पूरे माई हेड वॉज ब्लास्टिंग लास्ट नाइट और अब तो आज दूसरा दिन है और आई फील लाइक कि अभी तो सिम्टम्स ख़त्म हो जाने चाहिए, अभी तो मज़े कुछ नहीं होना चाहिए. बट अगेन माई हेड, आई एम फीलिंग वेरी हार्ड इन माई हेड. आई डोंट नो वाई बट ये मुझे फील हो रहा है. और इसके अलावा फीवर, आपकी बॉडी में थोड़ा हाई फीवर. मेरे ब्रदर एंड सिस्टर को मुझे मेरे बहुत ज़्यादा उनको फीवर बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया था और उसका रीज़न माइट भी उनकी बॉडी ने एक्सेप्ट नहीं की मेडिसिन एंड देवर फाइट द इम्यून सिस्टम वॉज फाइटिंग, तभी उनको जो है फीवर हो गया. मुझे और हस्बैंड को इतना ज़्यादा फीवर नहीं हुआ एज़ कम्पेयर टू जितना उन्हें हुआ था. सो यस, ये कुछ सिम्टम्स हैं. और थकावट, इसका जो रेमेडी है हाउ टू ओवरकम दीज सिम्टम्स और कैसे इससे बचा जाए, देखिए बचा तो जा नहीं सकता बिकॉज व्हेन यू हैव डन विद द वैक्सीनेशन, चाहे वो एक डोज हो चाहे वो दो डोज हो, इट हैज़ टू अफेक्ट. वो अफेक्ट तो करेगी बॉडी पे. तो मेन कंसर्न ये होगा कि आप आइस बैग अपने पास रखें या तो कोई ठंडी आइसिंग अपने किसी कपड़े में बांध के उसको आइस करते रहें और प्रेस नहीं करना, वो जगह प्रेस नहीं करनी. एंड सेकेंड, आपको पैनाडोल सी एफ कहते हैं कि इसमें लेनी है आपको, और पैनाडोल सी एफ आप जितना लेंगे इसमें वो बेहतर होगी. तो मैंने, और शायद हमें बुखार इसलिए भी नहीं हुआ कि हमने पहले ही मेडिसिन ले ली थी. और यस, कल हुई है बारिश जनाब, तो रोड्स पे कुछ पानी पड़ा हुआ है जो कि एज़ यूजल हमें पता है कि लास्ट टाइम जब बारिश हुई थी तो भी ये हालात थे कराची के. अगर आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स देखे हों तो लास्ट टाइम मैंने कहीं मैं अकेले ट्रैवल कर रही थी गाड़ी में, मैं यहाँ कहीं पोस्ट कर दूंगी, डू चेक दैट व्लॉग और आपको पता चलेगा कितना पानी था उस टाइम शदीद रोड्स पे. और कल भी जो बारिश हुई है कराची में वो भी प्रिडिक्टेड नहीं थी, एकदम ऑल ऑफ अ सडन हो गई और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हुई है. ठीक है, और अभी भी मैं रोड्स पर देख रही हूँ तो काफ़ी ज़्यादा पानी है और अल्लाह बेहतर जाने अब ये पानी कब जाएगा, क्योंकि पूरा हफ्ता अब मैं देख रही थी गूगल पे इट्स प्रेडिक्टेड रेन. तो अब अल्लाह ताला हम सबको अपने अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें, क्योंकि ऑफिसेज जाने वाला या जो जिनका डेली का बाहर निकलना है, इट्स नॉट वेरी इजी टू गो एंड टू केम बैक होम ऑन टाइम बिकॉज इट्स वेरी डिफ़िकल्ट इतने ट्रैफिक में इतने पानी में. सो यस, ये थी अपडेट बारिश की और कुछ वैक्सीनेशन की. तो अगर आप लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई है तो लगवा लें जाके, बिकॉज इवेंचुअली अगर अभी नहीं लगाएंगे तो एक आध महीने बाद लगानी पड़ेगी और तब माइट भी पैसों की लग रही हो. अभी तो गवर्नमेंट फ्री लगा रही है, सो यू नो गो फॉर दैट अपॉर्चुनिटी. और अभी आप लोगों को माइट भी ऐसा लग रहा हो कि हमें तो कोविड नहीं था या हमें तो नहीं हुआ तो हमें इतनी ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इट्स अ मेडिसिन, इट्स अ रेमेडी कि आपको उस चीज़ से बचाया जाए. इट्स अ प्रिकॉशनरी मेजर दैट यू हैव टू टेक इट, जिस तरह आप लोग मास्क लगाते हैं. ठीक है, सो यस, दैट्स हाउ इट इज़ और दैट वाज इट. और एसन से बाय. एसन सुबह सुबह बहुत सोए हुए होते हैं, इन्हें तंग ना किया जाए. ओके जी, दैट वाज इट फॉर टुडे. आई विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, स्टे ब्लेस्ड. थैंक यू सो मच.